गया जो कि आपने ख्वाब में देखा था। एक सेकंड में इतनी ज्यादा आग बढ़ गई है, इतनी ज्यादा खाना बनाते बनाते आज पता नहीं कैसे अचानक से आग लग गई, तो शेर भाई साथ थे तो उन्होंने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज मेरी फ्रेंड के घर मिलाद है, तो सारे काम करने के बाद आज मैं वहाँ जाऊँगी। सारे बच्चे तो स्कूल चले गए, अब मैं ये सारे बिस्तर से बैठूँ जल्दी, और सारे काम भी करने वाले पड़े हैं अभी, उठूँ जल्दी से करने हैं। तो ये सारे बिस्तर तो समेट लिए मैंने, अब सारे बर्तन धोने हैं। सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, अब ये बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन वगैरह तो सारे मैंने धो लिए। अब सारी सफाई कर लूँ। तो सफाई तो मेरी सारी कर ली है, और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे। तो इकरा को कहती हूँ, इकरा जी। और मेरे ना नीचे कपड़े पड़े हैं अलमारी में, तो ना वो सूट लेके आना। अच्छा। वो ना अलमारी में मेरा सूट पड़ा ब्लैक वाला, न्यू जो मैंने बनाया नहीं था। अच्छा। वो ले आओ जल्दी, ले आओ देर हो रही है। ले आइयो जी। तो ये इधर प्रेस तो कर दो, देर हो रही है, वो दो दफा बच्चा आया कि जल्दी आ जाओ। अच्छा। तो इकरा मेरे कपड़े प्रेस कर रही है, तो जब तक मैं वुजू वगैरह कर लूँ। इकरा कर लोगी ना जल्दी जल्दी जी। बस 5 मिनट लगाना, जल्दी कर लो। मम्मा जी, कौन आया था जरा? वो ना बच्चे आए थे, वो कह रहे थे कि ना जल्दी से मिलाद पे आ जाओ। तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर मिलाद में, बच्चे आ रहे हैं बार बार बुलाने के लिए कि जल्दी आ जाए। तो ज़ैनब भी मेरे साथ जा रही है, और वापसी पे फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी भी ले आऊँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मुझे सब्ज़ी ले कर दे के नहीं गए। तो अब सोच रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी बना लूँ, तो फिर अब वापसी पे फिर आलू वगैरह ले कर आऊँगी। तो ज़ैनब जल्दी चले, मिलाद में तो टाइम का पता नहीं चला, काफ़ी देर हो गई है, और मेरे हस्बैंड की कॉल आ रही थी बार बार, लेकिन बात नहीं हो सकी। तो वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ लंच करने के लिए, तो इसलिए मैं जाके जल्दी लेके जल्दी जल्दी सब्ज़ी लेके आई हूँ। तो अब मैं खाना बनाती हूँ ऊपर जाके, क्योंकि वो कह रहे मैं बस 10 से 15 मिनट तक आ रहा हूँ लंच करने के लिए। तो अब जाती हूँ ऊपर जल्दी जल्दी खाना बनाती, फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी धोने हैं। मम्मा क्या वो आलू लाई थी मैंने, चलो आज आलू की सब्जी बना लेते हैं। बना लो आलू की सब्जी। आलू चिकन, चलो मैं देखती हूँ चिकन बड़ा कि नहीं बड़ा, अगर बड़ा हुआ तो फिर आलू चिकन बना लूँगी। ठीक है, पढ़ लिया सब, याद कर लिया सब? रोई तो नहीं इशार? रोई थी, फिर इसको फिटर दिया। चलो इशार, मैंने आपको कहा था ना वहाँ पर देर हो जाएगी, फिर इसीलिए आपको नहीं लेके गई। चलो चलो जाने ऊपर चल के खाना बनाती हूँ फटाफट। मिलाद से आके मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिए, ये आलू और चिकन। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं खाना खाने, तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाने के लिए। तो कैसा बना खाना? बहुत अच्छा। आलू गोश्त अच्छा है? अच्छा। और कुछ चाहिए आपको? रोटी, रोटी चाहिए और सालन? सालन बड़ा भी। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लंच करके, तो इशाल आप तो इधर आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो रात को ना जल्दी आ जाए करें, वो खाना वगैरह तो खा के चले गए मेरे हस्बैंड, और इशाल इधर खड़ी हुई है। अब ऊपर जाके कपड़े धो लूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन अब क्या करूँ, कपड़े तो धोने हैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आओगे अंदर से? जी। मम्मा जी इस टाइम कपड़े धो रही हो?
हाँ क्या करो, मैं मिलाद पे चली गई थी, फिर मैंने कहा कि खाना बनाया तो फिर कपड़े ज़्यादा जमा हुए थे, मैंने कहा कपड़े धो लूँ। आज हमारी छत पे कौवे आए हुए हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे, लगता है आज हमारे घर में किसी ने आना है। और इधर ही शाल भी मेरे साथ ऊपर आई हुई है। क्या हुआ ईशाल? ईशाल और जैनब खेल रहे हैं। ईशाल अब क्या हुआ? ईशाल कह रही है चील मुन्नी को तू खा जा, दोनों एक दूसरे को चील से डरा रहे हैं। क्या हुआ जी? दूध चाहिए 2 फीटर। ईशाल को ना भूख लग जाती है, बस 1 घंटे या 2 घंटे के बाद दूध चाहिए इसको। दूध चाहिए जी। आप दोनों नीचे आ गई हो जी। ये लो ईशाल, अब मैं चली जाऊँ ऊपर कपड़े धोने जी। अब मुझे आवाज़ देना, देना कपड़े धोगे ना फिर आऊँगी। अच्छा अच्छा मम्मा जी अभी तक कपड़े नहीं धोए। नहीं बस ख़त्म होने वाले हैं, आज तो शाम हो गई है कपड़े धोते धोते। मम्मा जी जी मामू आए हैं। मामू आए जी। चलो उनको किरण कह रही है कि मामू शेव है नीचे, तो बाकी कपड़े आके धोती हूँ। ऊपर आ गए जी। चलो फिर आ जाओ। भाई के लिए मिल्क शेक बनाया, पी के बताइए सारा कुछ मुकम्मल है इसमें? परफेक्ट परफेक्ट है, आज मुझे बहुत खुशी हुई है। वैसे इसमें भी चीनी इतनी डाल दी है, सारी आपने मेरी फिजिक जो मैंने मेंटेन करके रखी है ख़राब कर दी है आपने। कोई नहीं होती ख़राब, कभी कभी बंदे को पी लेना चाहिए। यहाँ पे यहाँ से मैं ज़्यादा बदप्रेज़ करता हूँ। ये थोड़ा सा और भी पड़ा आपका हिस्सा, आप पी लो ना। मैंने अभी रोटी नहीं खाई, आपको अभी खाना भी खिलाना है। अभी हमारा मज़ेदार वाला प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा करें फिर खाने का बंदोबस्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रोटी खानी है या पराठा खाना है? रोटी पराठा ना, पराठे के साथ आलू गोश्त बहुत अच्छा लगता। थोड़ा सा हल्का फुल्का कर देना बस, ज़्यादा नहीं। वैसे ये हमने आपके लिए आलू गोश्त किया जो कि आपने ख्वाब में देखा था। कितनी मस्त है मारियो की बढ़िया है। ओ मैं उधर कैसे लगा ये रखिए न्यू बता। ये कैसे हो गया सेकंड में कितना सारा हो गया मेरा? अभी छूट भी नहीं पता चला था से लग गया। इसको चेंज करो। शुक्र है नजर आ गया कि वो लगे हुए ना। खराब हो गया था। ये जो ऐसे दुपट्टा हिल रहा था ना, तो ये आग भी इसकी इतनी इतनी ज्यादा बाहर आ रही है। रोटी तो फिर तेज ही करनी पड़ती है ना। चलो आप रोटी बनाओ तो पराठा बनाओ। असल में हमारी तो इस टाइम रोटियां पक जाती हैं। कपड़े धोने चली गई ऊपर, मिलाद पे गई थी पहले, फिर अब कपड़े धो। मैंने कहा चलो आज पहले कपड़े लगा रहे थे मशीन, पूरा दिन का पता नहीं चलता टाइम का। बच्चे कहते सुबह धो लेना, मैंने कहा सुबह भी मैंने धोने, अब भी मैंने धोने। ये करेला वो अभी इधर रखा था ना, मैं इधर घर में रखा था। बड़ा आया था कीमा भरे करेले, तो मैंने कहा शायद कीमे भरे करेले वाला चास भी बन जाए, लेकिन वो थोड़ा बना, ज्यादा आलू वाला चिकन वाला बन गया। मतलब जो ख्वाब देखा था वही पूरा हो गया। वो बुरा हो गया, उसके लिए मैं ज्यादा खुश हूँ। ये तो टेस्ट है ना बस। तो ये शोएब भाई के लिए खाना सारे ने मैंने डाल दिया। आप आए, आप खाए? आपने नहीं खाना? क्यों? मैंने खा लिए। कहाँ खाया है? आप तो खाए। खाया वो जो अभी लेके आए थे। आप तो खाए। आप खाए, खा के पहले बताए कैसा बना। उसमें आपका करेला भी है दूसरी रोटी में। मेरा करेला टेस्ट के लिए।
मैं ये आलू चिकन है ना, कोई लास्ट टाइम मुझे नहीं याद कब खाया था, कोई साल डेढ़ साल पहले की बात है। सही सही बताना। अच्छा दोबारा खाता हूँ। अच्छा नहीं लगा? जबरदस्त मजा आ गया। सही सही बताना, मुझे लग रहा है आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। आप कैमरा ले खड़े हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा, लेकिन बड़ा बड़ा बहुत बहुत मजेदार। मैं बच्चे सारे सो गए, किरण जाग रही है। किरण जाग रही है और मैं जा रहा हूँ। वो कहेंगे मामू हमारे मिलने के बगैर ही चले गए। सो गए। मेरी तरफ से सबको प्यार देना। चलो अपना ख्याल रखना फिर। ओके आ जाए करो। आप अपना ख्याल रखना, अभी अचानक से क्या हो गया था। बस अल्लाह ने बचा लिया। आइंदा से भी ध्यान, पता नहीं चला बिल्कुल। आइंदा ध्यान किया, ये दुपट्टा ओपन होता है ना इस तरह खुला हुआ, छोटा हो ना स्कार्फ वगैरह, तो वो यहाँ तक शोल्डर तक आ जाता है, ये काबू हो जाता है इस तरह। इसकी वजह से बस वो आगे वो करते हुए ना, बस फिर भी शुक्र है। जैसे मैं खड़ी हुई थी बातें कर रही थी, पता ही अभी हमने बाद में वीडियो देखी है तो बाजू की तरफ क्या एक सेकंड में इतनी ज्यादा आग भड़की है, इतनी ज्यादा बाजू के अंदर अगर आग चली जाती तो वो तो बिल्कुल ख़त्म थी, जल जाती सारी बाजू। तो ये तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, फ़ौरन पता चल गया, वरना तो बस देख के इतना हो रहा कि उस टाइम तो पता ही नहीं चला बिल्कुल इतनी बातों में। अल्लाह ख्याल करे। अभी बस मैं निकलने लगा हूँ, हस्बैंड तो इनके है नहीं, अभी मैं इंतज़ार करता है चलो उनसे मिल के जाऊँ, लेकिन डेढ़ बज गया अभी तक वो काम से नहीं आए। तो खैर अभी मैं तो जाऊँ, मेरी शाओ इंतज़ार कर रही है। चलो अपना ख्याल रखना फिर, आ जाया करो, ऐसे ही आ जाया करो अचानक अचानक सरप्राइज। ठीक है ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, बाय। कुंडी चलो मैं आती हूँ भाई, तो जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। ठीक है ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। तो रात बहुत हो गई है। तो शेर भाई तो चले गए, खाना बनाते बनाते आज पता नहीं कैसे अचानक से आग लग गई, तो शेर भाई साथ थे तो उन्होंने देख लिया तो बचत हो गई। तो शुक्र है अल्लाह का, अगर ना देखते तो कुछ भी हो सकता था। बाद में मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ही खौफ आया कि अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो फिर क्या होता है। यार मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि पहले घर के काम किए और फिर मिलाद पे गई, फिर घर आके खाना बनाया और उसके बाद फिर कपड़े धोए, फिर शेर भाई आ गए, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज और रात भी बहुत हो गई है। तो इसी के साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।